हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान, सुपर टेस्टी, सुपर इजी, बिल्कुल झटपट बनने वाले इजी ढोकला रेसिपी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। अगर आपको ही हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हमने ये 6 ब्रेड की स्लाइस ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे पास ब्रेड है तो इसलिए हम ब्रेड की रेसिपी बना रहे हैं। ब्रेड से बहुत ही आसानी से बनने वाले झटपट ब्रेड ढोकला बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें 6 ब्रेड की स्लाइस ली है जिसके कॉर्नर्स को हम कट करेंगे। और इसके कॉर्नर्स को आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए, या फिर अगर आपको इससे कोई रेसिपी बनानी है, नाश्ता बनाना है, तो वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसकी हमने रेसिपी भी शेयर कर रखी है कि ये ब्रेड के कॉर्नर्स भी आपके बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे। सारे ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर्स को इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए, सारे ब्रेड के स्लाइसेस के हमने कॉर्नर्स को कट कर लिया है। तो अब हम एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे। ये हमने टमाटो कट कर लिया है, दही लिया है थोड़ा सा, और ग्रीन चटनी ली है। देखिए, लगभग दही और टमाटो केचप तो हर किसी के घर में होता ही है, और हरी चटनी आप अपने हिसाब से जैसे भी खाना पसंद करते हो वैसे आप बना सकते हो। और अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस है तो इसका भी यूज़ कर सकते हो आप इसमें। तो हम टमाटो केचप लगाएंगे ब्रेड में, अच्छे से स्प्रेड कर लेना है हमें इसे। टमाटो केचप का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे टमाटो केचप खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बट कई लोग फिर भी ऐसा होता है कि जैसे कई लोगों को पसंद नहीं होता है। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर आपके पास रेड चिली सॉस है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर शेजवान सॉस है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस को रखेंगे, इसके ऊपर हम दही स्प्रेड करेंगे। तो दूसरे ब्रेड की स्लाइस में हम दही स्प्रेड करेंगे। दही इसमें फीका ले, खट्टा दही ना ले इसमें। अब हम थर्ड ब्रेड की स्लाइस को लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, और जो हमारी ग्रीन चटनी है उसको हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो ये ग्रीन चटनी हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। अब एक और ब्रेड की स्लाइस को लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। तो इसको हम हाथों से इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। और देखिए, अब चाहे तो दूसरे स्लाइस में भी नीचे की साइड पे, जिस साइड से हम इसके ऊपर रखना है इसको, वहाँ पे भी आप ग्रीन चटनी लगा सकते हैं। बट हमने पहले ही दूसरी ब्रेड की स्लाइस में काफ़ी ग्रीन चटनी लगा ली है, इसलिए हमने इसमें ग्रीन चटनी का यूज़ नहीं किया है। तो इसको हम नाइफ की हेल्प से कट करेंगे। तो ढोकले की तरह हम पीसेस में इसको कट कर लेंगे। देखिए, ये रेडी है। इसी तरीके से दूसरा भी हमें रेडी करना है। दो ब्रेड के स्लाइस और लेंगे जिसके कॉर्नर्स को हटा देंगे, और सेम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे उसको भी। अब हमने गैस पर एक तड़का पैन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। तो देखिए, इसको हमने ब्रेड ढोकला नाम दिया है इसलिए इसके ढोकले की तरह इसमें तड़का लगाएंगे। हाफ चम्मच इसमें हम सरसों ऐड करेंगे। सरसों चटकने पर इसमें हम दो पिंच हींग ऐड करेंगे, और देखिए सरसों को चटकना इसमें ज़रूरी है। चार हरी मिर्च ली है हमने जिसे हाफ कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे। थोड़े से करी पत्ता ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा, थोड़े से इसमें हम चीनी भी ऐड करेंगे जिससे कि थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मीठा टेस्ट आए, थोड़ा सा खट्टा भी टेस्ट आएगा क्योंकि हमने दही भी ऐड किया है। टमाटो केचप भी थोड़ा सा खट्टा होता है। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, हाफ कप से भी कम। उबाल आने देंगे इसमें। तो हल्दी को हमने पहले ही इस ऑयल में फ्राई कर लिया था जिससे कि हल्दी का कच्चापन ना लगे। तो ये इसको हमने पका लिया है, थोड़ा उबाल आ गया है, चीनी मेल्ट हो गई है, तो ये तड़का हमारा रेडी है। तो अब ये जो हमारे ब्रेड ढोकले है इसके ऊपर जो हमने तड़का रेडी किया है उसको डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी बनने वाले ये ढोकले हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं, बिल्कुल सिंपली बनकर रेडी होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी लगते हैं। ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें, और अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो लीजिए हमारे सुपर टेस्टी एंड सुपर ईजी
ब्रेड ढोकला सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बहुत ही आसानी से झटपट बनकर रेडी हो जाते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। तो ज़रूर से घर पर एक बार ट्राई करें, बिल्कुल इजी ढोकले की रेसिपी है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने प्यार से कमेंट हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।